ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। एक समय की बात है, मुंबई शहर में मैं नया था। सुना है कि यह शहर कभी सोता नहीं, तो मैं निकल पड़ा इस शहर को देखने। रात को मुंबई बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी चमक धमक से मुझे प्यार हो गया। मैं हर वीकेंड में नई नई जगह पर जाया था। एक दिन मैं रास्ता भटक, रात के 3:30 बजे थे, अंधेरे में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे घर का रास्ता पूछा, उसने मुझे कहा आपका घर ये गली के एंड पे है, पर तुम्हें पता है इस गली से जाना मना है। मैंने कहा मैं इस शहर में नया हूं, पर यहां से जाना क्यों मना है। उसने कहा क्योंकि इस गली में भूत है, जो भी यहां से गुजरता है वो भूत उसकी उंगलियां काट देता है। और वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपको वहां छोड़ सकता हूं। गली बहुत सुनसान थी, वहां जाने से भी चीख घबरा। उस आदमी ने वहां हुए अजीब सी घटनाओं के बारे में मुझे बताना शुरू किया और हम चलने लगे। तभी उसने कहा एक दिन एक लड़की यहां से जा रही थी, वहां से अकेले जाने के लिए उससे डर लग रहा था, तो उसने अपना फोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बोलने लगी। कि तभी अचानक से उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो फास्ट चलने लगी। तभी उसे किसी ने हाथ लगाया, वो डर गई, पीछे देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही चलने के लिए मुड़ी, नहीं, नहीं, नहीं। क्या क्या बात कर रहे? हाँ, एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जब वो गली की शुरुआत में आया तो वो भी थोड़ा हिचकिचाया, उसने अपना मोबाइल निकाला और गाने सुनते हुए चलने लगा। कि तभी कोई साया उसके बाजू से चलने लगा। उसने बाजू में देखा और रुक गया, तो वो साया भी रुक गया। उसे अजीब लगा। वो फिर से चलने लगा तो वो साया गायब हो गया। वो उस साये को देखने के लिए पीछे मुड़ा। कि तभी नहीं, 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 नहीं। आप रे, बहुत डरावना है ये। पर ये सब कौन और क्यों कर रहा है? कोई एक लड़का है, उसका कहना है कि पहले उसके सारे दोस्त एक साथ मिलके हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन जब से लोगों ने मोबाइल यूज करना चालू किया है तब से सब कुछ बदल गया है। अब उसे मोबाइल यूजर्स से बड़ी चिढ़ है। डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।
अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।